गुड मॉर्निंग। और कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत सही हैं होंगे। और मैं भी, और देख सकते हैं जा रहे हैं हम लोग गोरखनाथ घूमने। और मेरे साथ दो बंदे और मौजूद हैं जो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाय, मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है उर्फ पटेल जी, और मेरा घर सज्जनपुर है। हम लोग श्याम भैया गोरखनाथ मंदिर घुमाने ले चल रहे हैं। हाय, आई एम अभिनंदन सिंह, जा रहे हैं हम लोग गोरखनाथ मंदिर घूमने, भैया घुमाने ले जा रहे हैं। काफी मजा आने वाला है गाइस, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में, तब तक मैं आपको रास्ते दिखा रहा हूँ कैसे जा रहे हैं हम लोग। तो गाइज कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ताकि मौका नहीं मिल रहा था। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम की वजह से 15 रोज से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली अब आप लोग के लिए पूरा फ्री है, और आज से कंटिन्यू ब्लॉग आएगा गाइज। और देख सकते हैं टोटो में बैठे हुए हैं, जिसको बोलते हैं ई रिक्शा। बहुत खटारा रोड है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। जो रास्ते हैं उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और ये देख सकते, ये पानी, ये छोटी गंगोत्री है, और ये देख सकते हैं रोड यहाँ का पड़ेगा, देख सकते हैं। रोड था, अब मेन रोड में एंट्री कर चुके हैं, और ये देख सकते हैं काफ़ी एक्साइटेड है बंदे गोरखनाथ मंदिर से आने के लिए। और मैं दिखा रहा हूँ आपको फ्रंट से नज़ारा, देख सकते हैं। टोटो का मज़ा ले रहे हैं। वेस्ट बंगाल में लोग बोलते हैं टोटो, यहाँ पे ई रिक्शा, और यहाँ भी लोग टोटो ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताएं, मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा अपनी हायाबुसा, जो भी वसालत से गुजर रहे हैं कि अपना निकले हैं बसारतपुर रामचांद की नगर से, और रखी में हम लोग रास्ते में हैं, जो हम लोग का फाइनल ट्रैवलिंग ख़त्म होने वाला है गोरख मंदिर। और बहुत एक्साइटेड है गाइस, क्योंकि बहुत बार आया बट कभी मौका नहीं मिला मंदिर घूमने का, आज मौका मिला है तो बहुत एक्साइटेड है। ऐसे नेट से देखें तो काफ़ी अच्छा मंदिर का जो भव्य जो डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत हमें अच्छा लगा। और देखते हैं, आप तो स्वयं साक्षात देखने वाले हैं, तो देखते हैं कितना मज़ा आ रहा है स्वयं देखने पे। और जो लोग नहीं आए हैं ज़रूर आए और यहाँ पे विजिट करें गोरखनाथ मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही
विशेषता है मेरा, तो आप लोग जब भी गोरखपुर आए तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करें गोरखनाथ मंदिर, और बने रहे ब्लॉक में। मेन रोड का बहुत ही बुरा स्थिति है इधर का, दिखा रहे देख सकते हैं कचरा, बोले यूपी बिहार तो कचरा ही कचरा, धूल तो यहाँ कभी जाने वाला है नहीं यार, बिहार हो या यूपी हो, आप यूपी या बिहार में ट्रैवल करोगे तो धूल गर्दा मिट्टी मिलना ही मिलना है, इसमें नो डाउट। बिकॉज बने रहे ब्लॉक में और मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन रोड पे, फिर इधर आ गए हैं और ये मेन रोड है, इधर का एसएच रोड है, एनएच नहीं है, देख सकते हैं बस, देख सकते हैं गाइस कितना दूर रहा है, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये रहा देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पिसलप पाउडर, देख सकते हैं काफ़ी सारे घर हैं अच्छे अच्छे डिजाइनों में, ये क्लिनिक है, ये पेंट का दुकान, ये देख सकते हैं जिनको पेंट लेना है यहाँ से ले सकते हैं डिलक्स एशियन पेंट, और देख सकते हैं ये देख घर सकते हैं, देख घर घर देख सकते हैं कितनी कम जमीन में बहुत अच्छा ही शानदार घर बनाया हुआ है, और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया नज़ारा तो नहीं बोल सकते, सिंपल सा है, मैं आपको रोड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं चुके हैं गोरखनाथ मंदिर, और ये मेन द्वार है जो आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, और ये देख सकते हैं ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, देख सकते हैं आप प्रसादी का बहुत सारा ही। ये देख सकते हैं गाइस नज़ारा यहाँ का, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है, देख सकते हैं क्या नज़ारा है, मास्क लगा चुके हैं क्योंकि बिना मास्क का नो एंट्री है, तो अपन लोग मास्क लगा चुके हैं, जो हम लोग जा रहे हैं भीतर एंट्री कर रहे हैं गेट पर, जो चेकबुक होकर भीतर जाने दे रहे हैं, जो गाइस बने रहिए चैनल में, और भी भीतर धमाका हम लोग करेंगे, और देख सकते हैं काफी लाइन लग चुका है, देख सकते हैं हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, और ये देख सकते हैं अपन एंट्री कर चुके हैं गाइस, ये देख सकते हैं अंदर का नज़ारा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश बहुत ही अच्छे तरीके से, देख सकते हैं एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हैं, और ये गोरखनाथ मंदिर देख सकते हैं, यही है गोरखनाथ मंदिर। तो देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वो गोरखनाथ बाबा का मंदिर है, और
हम लोग यहाँ आ चुके हैं और आप लोग को नज़ारा दिखा रहे हैं यहाँ का कैसा क्या है। तो आप लोग बने रहे हैं ब्लॉग में और दिखा रहे हैं, बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत ही क्या बोलते हैं, जो मांगते हैं अच्छे मन मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, आप लोग भी दिखो जाए यहाँ पे और एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट करें, बहुत ही अच्छा। मैं बहुत बार आया हूँ बट कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मौका मिला है गाइस। तो दिखा रहे आपको नज़ारा, बने रहे अपने। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हैं मंदिर में एंट्री कर चुके हैं और हम लोग खूब मजे ले रहे हैं और दिखा रहे हैं ये नाथ मंदिर। ये मंदिर और ये देख सकते हैं काफी बहुत ही अच्छा नजारा, ये साइड का व्यू है। मना था इसलिए हमने कैमरा ऑफ कर दिया गाइज, और अलाउ नहीं था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अलाउ ही नहीं था तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर कभी देखेंगे मौका मिलेगा तो जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। ऐसे बाहर से आपको दिखा दिए हैं, आप लोग बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइज। अब हम लोग पूजा कर चुके हैं और हम लोग अब घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो फिर आपको मिलते हैं घर पे, बने रहें। ब्लॉग देख सकते हैं कि मेला ये लगा है जो यूपी में है, गोरखनाथ का मंदिर जो हम लोग आए हैं घूमने। ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, हाँ जो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जो आए हैं हम लोग, जो घूमने आए हैं हम लोग, जो सब लोग घूम रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं मेले का। और आप भी आइए कुछ गोरखनाथ मंदिर, आप भी घूम के जाइए, बहुत मज़ा आएगा। जो यूपी में है, जो हम ये देखिए कितना सारे भीड़ है, जो हम लोग आए हैं घूमने। जो मेला भी ये देखिए कितना का झूला है, झूले की कमी नहीं है, बहुत खचा खच झूला भरा हुआ है। ये देखिए एक से एक झूले हैं जो हर वर्ष के बहुत बड़े बड़े झूले हैं, उनको जो बहुत बड़े झूले हैं। जो आइए देखिए जो हम लोग चलने का कोशिश करते हैं। ब्रेक डांस
रास्ते में है, देख सकते हैं आप। वीडियो को एंड करने का, और नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।